आपने बात सुनी होगी फोकल पर्सन पेशावर यूनिवर्सिटी के नुमान साहब की, उन्होंने कहा कि तरबियत का बड़ा फुकदान है, इस वजह से ये चीटिंग हुई है। देखें, वो सही कह रहे हैं। तरबियत इस सेंस में है कि वालदैन की तरफ से प्रेशर होता है, तरबियत दी जाती है कि बेटा नंबर ज्यादा आने चाहिए वरना मेडिकल में लेकिन दाखिल तरबियत में हो। ये तो नहीं कहा जाता काशिफ साहब के चीटिंग करके नंबर लेके आना। देखें, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, तो आप बाई हुक बाई क्रुक आप वहां तक पहुंचते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम जब स्टूडेंट थे, मतलब मेरे वालिद साहब की तरफ से तो कभी नहीं कहा गया कि तुम ए ग्रेड लाओगे तब तुम घर में आओगे। अब तो वालदेन ऐसे स्कूलों में दाखिल कराते हैं, हम अहमदाबाद को स्कूलों का शहर कहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात भी आप देखे ना कि फलाने ने बोर्ड में अहमदाबाद बोर्ड से पहली पोजीशन ली, दूसरी ली, उन स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। अब आप देखेंगे दुनिया आगे चली गई है, अब लोग नंबर काशिफ साहब, गेम पे आपको नहीं। नहीं लगता कि नाउ पेरेंट्स आर बिकम मोर फ्लेक्सिबल, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं कितने नंबर लेके आओगे तो घर में घुसोगे। मेरे ख्याल से ये माजी सर में ज्यादा होता था, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग होते थे वो ज्यादा। लेकिन आज भी वही हाल है। देखिए ना, लोगों की जहन में है कि मेडिकल में एडमिशन लेना है और वो एमगेट करेगा, वो कहीं से भी वो नंबर लेगा, एडमिशन लेगा। ये चीजें तो आप सोचेंगे हमने तय कर लिया कि प्रोफेशनल तीन चार ही हैं। अब आप देखें सारी दुनिया में फ्रीलांसिंग कितने बड़े पैमाने पे है, उसके लिए आपकी ज्यादा तालीम भी नहीं है, बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं है, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप ये देखें कि जितनी आपने एचईसी ने जितनी यूनिवर्सिटियां की इजाजत दी, ये जितने चार्टर है हर जिले में एक वो है यूनिवर्सिटी, उसकी क्या प्रोडक्ट है? उसकी वो सब्जेक्ट जो बंदा डिग्री बीएस लेके निकलता है उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। वो सब्जेक्ट्स आप बताए ना कि दुनिया में ये तय होता है कि हमें यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, ठीक हमारे है, पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। हम आज भी मेडिकल के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि वहां पर बंदा बड़ा मुश्किल में चला जाता है। देखिए, आप मेरिट पे आते हैं तो आप कोशिश करें, नहीं आते तो बच्चों को क्यों जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं। और आप देखें ज्यादातर खवातीन जो डॉक्टर बन जाती हैं उनमें से प्रैक्टिस ही नहीं करती, वो सिर्फ शादियों में, अच्छी जगहों पे शादियां हो जाएंगी। अब तो मेडिकल भी स्टेटस सिंपल है ना, बल्कि 20-30 साल बिल्कुल से यही है। वो अच्छे घर की बहू बनने के लिए डॉक्टरी कर लेती हैं, ये तो एक अलमिया है, डेलेमा है, इस पे हमने काफी काम भी किया हुआ है।